हेलो सब लोग, कैसे हो तुम सब। मेरा नाम है फ्लेम फारोव और तुम लोग का स्वागत है इन्फर्नो रीबॉर्न के फर्स्ट एपिसोड में। तो आज खेलने वाला हूँ मैं रेसिंग मोटो, और ये रेसिंग मोटो मेरी फेवरेट गेम है मेरी आज तक की मोबाइल में। वैसे काफ़ी सारी फेवरेट्स गेम अभी आने वाली है इस सीरीज़ में, लेकिन इसे मैं सबसे टॉप पर इसलिए रख रहा हूँ, एक्चुअली टॉप पर नहीं रख रहा हूँ इसे। इस सीरीज़ में जितने भी गेम्स मैं खेलूँगा वो किसी ऑर्डर में नहीं है, मतलब किसी ऑर्डर में नहीं होंगे ऑन द बेस्ड ऑफ रैंकिंग कि मेरा कितना फेवरेट है वो। पर ये गेम मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द, क्योंकि ये गेम मेरी पहली गेम थी जो मैंने मोबाइल पर खेली थी। घर में एक आध बार जब गैदरिंग होती है तो मतलब कुछ बड़े भैया लोग खेल रहे थे तो मैंने उनसे फ़ोन मांगा और मैंने भी खेला उनके साथ। तो ये रेसिंग गेम है, इसमें तुम लोगों को एक ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ इस गेम का। ये देखो, ये साउंड सुन के मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया आ रहा है। तो ये जायरो बेस्ड गेम है, तुम्हें अपने फ़ोन को टिल्ट करना पड़ता है राइट लेफ्ट, जब तब जाके तुम्हारा बाइकर जो है अपनी बाइक को टिल्ट करता है और लेन चेंज करता है। ये देखो, ओ सॉरी, ओके। तो देख सकते हो ये मेरा बाइकर है और इसका सब टॉप लेफ्ट में तुम देख सकते हो इसका फेस कैम है, और ये दुखी लग रहा होगा क्योंकि ये तुम लोग बाइक स्लो चला रहे हो, और जब तुम लोग बाइक स्पीड में चलाओगे तो ये खुश हो जाएगा। ये देखो, इसके फेस कैम के ऊपर लिखा आ रहा है। और टिल्ट करना है तो मैं गेम, और सॉरी अगेन मैं गिर गया। मेरा फ़ोन थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है जायरो को लेके, इसलिए मैं हल्का सा भी फ़ोन को मतलब हिलाता हूँ तो देखो ये मेरा बाइकर कितना ज़्यादा शेक करने लगता है पूरा। तो तुम्हें अपने स्क्रीन पर ना होल्ड करके रखना पड़ता है टैप करके, तो तुम्हारी बाइक की स्पीड बढ़ती जाती है। तो ये ट्यूटोरियल था तुम लोगों को, मैं अभी मेन गेम प्ले दिखाता हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ इस गेम में, इस गेम की बाइक्स। इस गेम में तीन बाइक्स हैं। सबसे पहली इस गेम की डिफ़ॉल्ट बाइक जो तुम्हें स्टार्टिंग में मिलती है, ये सफ़ायर, ये काफ़ी मस्त है। और एक स्क्रीन मतलब गेम के पोस्टर में ये वाली बाइक, ये मेरी फेवरेट है, लेकिन हम लोग इस बाइक के लिए नहीं, हम लोग सबसे मेन बाइक के लिए जाएंगे। और ये है इस गेम की दूसरी बाइक कार्डियोलिस, ये भी बढ़िया है और तुम इसे अनलॉक कर सकते हो 30,000 पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद। और इस गेम की लास्ट और सबसे फाइनल बाइक टाइटन, शैडो फाइट 2 की तरह इसमें भी मेन बॉस, मतलब मेन बॉस नहीं, टाइटन है एक तरह से मेन बॉस, मेन बाइक। तो आज का मेरा गोल है कि मैं इस बाइक को मतलब कलेक्ट करने का, तो 70,000 पॉइंट चाहिए इजी। तुम लोग को दिखाता हूँ, मैं इस गेम का वेटरन रह चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली मुझे। एंड हियर वी गो। अगर मैं देखो, मैंने अभी स्क्रीन पर होल्ड करके रखा है तो अभी मेरी बाइक जो है वो स्पीड में चल रही, और जैसे ही मैं स्क्रीन से अपनी फिंगर हटा दूंगा देखना ये स्लो हो जाएगा और मेरा बाइकर दुखी हो जाएगा। तो मैं इस गेम को कंप्लीट करूंगा, मतलब 70,000 पॉइंट्स तक जाऊंगा बिना अपना फिंगर लिफ्ट किए, और फुल स्पीड में जाऊंगा, एक भी बार ब्रेक नहीं मारूंगा। तो चलो चलते हैं। ये है सुपरमैन टाइप का, ये तो मुझे इसके शर्ट के पीछे हमेशा से लगता था सुपरमैन का सिंबल है, लेकिन वो गोल्डन ईगल टाइप सा है कुछ है। ये देखो मेरी बाइक क्रेजी हो रही है बिल्कुल। अबे भैया ये क्या हो रहा है। ओ, अच्छा तो इस गेम में क्या होता है कि जब तुम स्पीड बढ़ते जाता है तुम्हारी बाइक की, तो तुम्हें तुम्हारी डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए कार्स लेन चेंज करने लगती हैं, ताकि तुम्हें दिक्कत हो और तुम कंफ्यूज हो जाओ कि कौन से लेन में तुम्हें जाना है। 26,000 पॉइंट्स से पहली बार के लिए बुरा नहीं है, चलो करते हैं फिर से। देखो अभी फेस कैम में ये हंस रहा है ना, अगर मैं अपनी बाइक को ले जाऊँगा ये रोड के कोने पर देखना, ये थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा। ये देखो कहीं गिर ना जाए। ओ मैंने कर लिया, मुझे लगा था मैं उनके बीच से नहीं निकल पाऊंगा। स्पीडिंग अप, शुरुआत में तुम्हारा 100 किलोमीटर पर आर रहता है, उसके बाद ओ शिट, ओ यार क्लच, इतना सेंसिटिविटी मैंने कर लिया उसे, क्लच मार दिया भाई, एक और क्लच मार दिया। अबे थैंक यू मेरे लिए लेन खाली करने के लिए, थैंक यू। फुल स्पीड में जा रहा हूँ मैं तो, मुझे कोई रोक ही नहीं पा रहा। ओरे भैया 52 54 55 56 57, लगता है मेरा हो जाएगा इस बार में ही। नहीं 62,000, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरी सेकंड बाइक खुल गई होगी। रुक जाओ, सेकंड बाइक को इक्विप करते हैं। ये वाली बाइक भी ठीक ठाक ही लग रही है देखने में, ये मुझे ये वाली बाइक थोड़ी सी थिक है, मुझे लगता है इसके वजह से मैं मतलब कार्स के बीच में से नहीं निकल पाऊंगा, ये मुझे इसका डिसएडवांटेज लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, सेम हिट बॉक्स रहता है, कुछ डिफरेंट नहीं रहता।
ये देखो सेम हिटबॉक्स रहता है। ये गेम लक पे भी डिपेंड करती है, अगर तुम्हारा ऐसा लेन ना आ जाए तो। ओ भाई क्लच था, वह बच गया, मैं मुझे लगा मैं नहीं बच पाऊंगा वहां पर। ओ नहीं, फिर से ओ माय गॉड, ओ माय। लेकिन बिना ब्रेक मारे तुम्हें बहुत तेजी तेजी से टर्न लेने पड़ेंगे, कार्स के बीच में से निकलना पड़ेगा, और प्रेसिजन भी चाहिए जो कि मेरे से हो नहीं पा रहा, क्योंकि ये जो स्पीड है ना और मेरी सेंसिटिविटी, इसकी वजह से मेरा बाइक तो ज़्यादा हिलता है। देखो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी है, बहुत सेंसिटिविटी है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। रेसिंग मोटो का एपिक गेम प्ले चल रहा है यहाँ पे, ऑफकोर्स अब से फाड़ू खेल रहे हम लोग, और मैं ठोक दिया। पहले के 20,000 पॉइंट्स तो आसान है, आराम से हो जाते हैं, 30,000 पॉइंट्स से पहुँचना काफ़ी आसान है, आराम से पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है ना, और कार से अगर सामने कुछ ज़्यादा स्पॉन हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बस वो ना हो। ओहो हल्का सा टिल्ट किया, पूरा एकदम राइट, सबसे राइट लेन में चली गया ये तो। इस गेम में तीन कार की मॉडल है, इसमें तीन ही कार है, उन्हीं का खाली कलर स्वैप कर दिया, बस हो गया, इसलिए बहुत छोटी गेम है। अरे भाई यहाँ तो नो चांस था भाई, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं था, मैं कैसे उसके बीच में से जाऊँ, क्या था वो, मैं उसके बीच में जा ही नहीं पा रहा था, मैं उसके बीच से जा ही नहीं सकता था उतनी स्पीड में। इस गेम को खेलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं माइनक्राफ्ट की वीडियोस बनाने का सोच रहा था, लेकिन ये सीरीज स्टार्ट करने का मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। अभी तो तुम लोग देखने वाले हो कितने सारे गेम्स की वीडियो डालने वाला हूँ मैं, सब गेम कवर करूँगा जो मैंने चाइल्डहुड में खेली, और सारा नॉस्टैल्जिया का पूरा सारे नॉस्टैल्जिया का सारा ज्वालामुखी फोड़ दूंगा मैं, तुम लोग टेंशन मत लो, बहुत मज़ा आएगा तुम लोग को और देखने में भी। और तुम लोग को कौन सी गेम्स पसंद है, मतलब चाइल्डहुड की, तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। ये पार्ट को मैं कट कर दूंगा, बड़ा फालतू गिरा उस समय में। रिएक्शन टाइम में भी डिपेंड करता है, जितना अच्छा रिएक्शन टाइम होगा तुम उतनी फास्ट टर्न ले पाओगे इसमें। अरे भाई फिफ्टी थाउजेंड स्कोर होने के बाद दिक्कत होने लगती है। अरे यार मैं कर लेता, मैं राइट ले लेता अपना बाइक को, लेकिन मुझे लगा कि मैं राइट के वो एज से ना टकरा जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर लिया और बीच में टकरा गया। प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्वी, ताकि मैं जल्दी से लेन स्विप कर पाऊँ। स्वी 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 उई, मेरा प्रैक्टिस वर्क्ड, प्रैक्टिस ने हेल्प किया मेरा, इनके बीच से नहीं निकल पाया। लेकिन मैं हट यार हटाओ, मुझे ये वाली बाइक पसंद नहीं है, सफायर ही सबसे बेस्ट है मेरे पास, अगर टाइटन भी होगी तो मैं सफायर ही चलाऊँगा, यही बेस्ट है सबसे। इसका हैंडल देखो पूरा एकदम कर्व है, इस पर ऐसा क्वेश्चन मार्क्स है पूरा। अरे यार पहले तो मैं बहुत बढ़िया खेलता था, वैसे मैंने बचपन में कभी भी इसमें टाइटन वाली बाइक नहीं हासिल करी। हाँ तो मैं कह रहा था, अगर तुम्हें भी अपने बचपन की कोई गेम्स देखनी है मेरे चैनल पर तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस गेम को खेलने का ट्राई करूँगा। मोबाइल गेम होनी चाहिए क्योंकि पीसी नहीं है मेरे पास, इसीलिए सही है सारे लेन खाली करते रहे मेरे लिए तो अच्छा रहेगा। मैं फुल फोकस कर रहा हूँ अभी इसने ब्रेक मार दिया, इसमें कार्स ब्रेक भी मार सकती है, मुझे पता ही नहीं था इसमें ब्रेक भी मार सकते हैं बाइक, मतलब कार, अकेला मैं ही बाइक चला रहा हूँ, बाकी सबके पास कार है। ओए अरे यार हल्का सा बैठने में एडजस्ट कर रहा था, ये तभी मैं गिर गया भाई, बहुत बढ़िया। एनीवे देखो मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ अभी, हटो सब रास्ता दो, हर इधर से जाने दे, मुझे कोई नहीं रोकने वाला आज, सबसे स्पीड मेरी बाइक चलेगी। स्वी ओ नो यस, इस बार हो गया, इस बार मैंने कर लिया। ये क्या है, स्प्रिंग मौसम, पतझड़ का मौसम चल रहा है, ये अच्छा सीन है। अरे गेम लैग हो गई थी अभी, फ्रेम स्किप हो गया था, ऐसा फ्रेम स्किप ना हो यार। 70,000 यस यस, ओ भाई और कितना स्पीड जाएगा, और कितना जाएगा, और कितना जाएगा, और कितना जाएगा,
ओह नो, ओह एक और क्लच, क्लच 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 क्लच, गजब ओपी, एपिक एपिक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ओह माय गॉड, एपिक प्ले था वो, क्या गजब खेला मैं। इतना भाई मैंने क्लच प्रेस, दो दो कार के बीच में से सीऊं 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 जा रहा हूँ मैं तो। एक सेकंड, सबसे पहले दूसरी गेम पे शिफ्ट होने से पहले मैं अपनी टाइटन को लगा लेता हूँ एक बार टाइटन का गेम प्ले भी दिखा देते हैं। टाइटन, और इसमें कैसे बैठा है ये, इसमें कुछ अलग ही लग रहा है, इसमें लग रहा है प्रॉपर बैठा है, बाकी और बाइक्स में लगता नहीं था। देखूँ तो मैं सफायर, हाँ और सभी बाइक्स में लगता नहीं कि बैठा है उतना अच्छा से, क्योंकि अपर व्यू है ना गाड़ी वाले, इसमें इसमें तो भाई पूरा एकदम वो उल्टा यू वाला शेप में बैठा है ये। एनीवे टाइटन, इसके पीछे में देखो वो पर्पल बूस्टर छूट रहा है, बढ़िया लग रहा है देखने में, ये भी एपिक है, सब बढ़िया है, अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन स्टिल सफायर सबसे बेस्ट है। सफायर इज द गोट, गोट बाइक। वेल एक्चुअली थोड़ा सा ये पतला लग रहा है मेरे को सफायर से, इसके हैंडल काफ़ी पास पास में है, सफायर के हैंडल पूरे मुड़े हुए हैं क्वेश्चन मार्क जैसे। देखते हैं सर मेरा हाई स्कोर मैं बीट कर पाता हूँ कि नहीं, अगर हो जाए तो बढ़िया ही रहेगा। कुछ और एपिक क्लिप्स, रहने दो कोई बात नहीं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट गेम। चलो